भारत का प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे देश जाता है, पाकिस्तान से सुलह करता है और अगले ही दिन गुजर जाता है और इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ये है कहानी लाल बहादुर शास्त्री जी के मिस्टीरियस डेथ। द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसिडर एनी इंक्वायरी टू बी नेसेसरी। इंदिरा जी को जब शास्त्री जी के डेथ के बारे में पूछा गया तब उनका जवाब ये था। सारे रिकॉर्ड ऐसे कहते हैं कि शास्त्री जी की डेथ एक नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मर्डर की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं। तो अगर आप भी कहानी का वो पहलू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुँचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 1964 में शास्त्री जी भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, एक ऐसे समय जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत। देश को व्हाइट रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी, देश को ग्रीन रेवोल्यूशन देने वाले शास्त्री जी, वो गांधी जी के फॉलोअर थे, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाले शास्त्री जी ही थे। इस वॉर में भारत की सेना पीओके तक तो छोड़िए लाहौर तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि चीजें और सीरियस हो जाए, यूएन ने दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए कहा। अब ये जमाना कोल्ड वॉर का था, जब रशिया और अमेरिका दोनों देश पूरे दुनिया में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। रशिया भी दुनिया में शांति लाने का काम कर सकती है, ये प्रूव करने के लिए रशिया ने शास्त्री जी और पाकिस्तान के आयुब खान दोनों को ताशकंद में बुलाया और ताशकंद में ये डिसाइड हुआ कि बोथ कंट्रीज विल अडॉप्ट द सेम पोजीशंस दैट दे हेल्ड ऑन 5th अगस्त 1965। ये अकॉर्ड साइन होते ही अगले दिन शास्त्री जी की डेथ हो गई। रीजन बताया गया हार्ट अटैक। इतना बड़ा लीडर एक दूसरे देश में अपने आर्च राइवल के साथ पीस अकॉर्ड साइन करता है और इमीडिएटली गुजर जाता है, लेकिन फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं होती। ऐसा क्यों? अनुज धर ने अपनी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में इस पूरे सब्जेक्ट पर थोरली स्टडी किया, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया और इसमें वो तीन थियोरीज प्रेजेंट करते हैं। थियोरी नंबर 1, CIA ने ताशकंद अकॉर्ड्स फेल होने के लिए शास्त्री जी का मर्डर किया। थियोरी नंबर 2, KGB यानी रशियन इंटेलिजेंस ने शास्त्री जी को पॉइजन देकर मारा। थियोरी नंबर 3, भारत के ही पॉलिटिशियंस ने अपने पर्सनल गेन के लिए शास्त्री जी का मर्डर किया। I'd highly recommend you to read that book to understand these three theories better. Let's focus on the mystery and uncover the truth. Mystery number 1. कहते हैं शास्त्री जी को जब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ तो वो अपना स्वीट छोड़कर अपने साथियों के कमरे तक पहुंचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके स्वीट में ही तीन फोन थे, जिसमें से एक फोन उठाने पर सीधा सिक्योरिटी को बजर बजता। लेकिन शास्त्री जी ने ये फोन कभी यूज ही नहीं किए, उठाए ही नहीं। क्यों वो पर्सनली उठकर दूसरे कमरे में अपने साथियों के पास गए? क्या वो कोई मैसेज देना चाहते थे? मिस्ट्री नंबर 2, पोस्टमार्टम से डेथ के रीजन साफ साफ क्लियर हो सकते हैं। रशियन इंटेलिजेंस ने ऑफर भी किया कि हम शास्त्री जी के बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन उनके ही भारत के साथियों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? मिस्ट्री नंबर 3, जब उन्हें भारत ले आया गया तब उनकी बॉडी पर काले नीले निशान थे, एज इफ उनकी बॉडी पर किसी ने अंदर से इंक डाली। उनकी बॉडी के पास किसी फैमिली मेंबर को भी आने नहीं दिया। जब उनकी वाइफ ने इन निशानों के बारे में पूछा तब उनके पूरे फेस पर चंदन लगाया गया ताकि ये निशान ढक जाए। उनके नेक पर यहाँ और पेट पर यहाँ खून के निशान थे, मानो किसी ने होल किया। उनकी ये कैप जो वो हमेशा पहनते थे खून से लथपथ थी, जो आज भी वैसे ही प्रिजर्व की गई है। मिस्ट्री नंबर 4, उनके डेथ के एक साल बाद ब्लिट्स नाम की एक टैबलॉइड ने उनका एक लास्ट लेटर प्रिंट किया जिसमें पाकिस्तान के साथ पीस की बातें की गई थी। बाद में पता चला कि ये लेटर फेक है, ये लेटर शास्त्री जी ने कभी लिखा ही नहीं था। जरा सोचिए, एक प्राइम मिनिस्टर का फेक लेटर वही इंसान लिख सकता है जिसको ये गारंटी हो कि ये लेटर फेक है, ये कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर कभी भारत पहुंचेंगे ही नहीं। पार्लियामेंट में इस लेटर के बारे में एक सिंपल सवाल उठाया गया कि अगर ये लेटर असली है तो क्या हम रिकॉर्ड्स में जाकर इसका एक सीरियल नंबर निकाल सकते हैं? क्योंकि एक बार ये पता चल जाए कि ये लेटर किसने लिखा था तो प्रूव होता कि किसी ना किसी को तो उनके डेथ के बारे में पता था। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ही चेयरमैन सर ने कहा द क्वेश्चन आर इज ओवर। एक स्मार्ट इंसान ने कहा है कि सवाल लेट होने से सवाल गलत नहीं हो जाता। मिस्ट्री नंबर 5, ताशकंद में उनका जो कुक था उसका आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो जिस कुक ने उनका लास्ट मील बनाया उसे भारत में किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन हाँ रशियन इंटेलिजेंस ने उसे अरेस्ट जरूर किया था और ये बात भारत में छुपाई। जो इंडियन आई विटनेसेस ताशकंद में मौजूद थे उनसे भी कभी कोई सवाल नहीं पूछे गए। उनमें से एक डॉक्टर भी थे, डॉक्टर चो, जिनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई और उनकी पूरी फैमिली भी इस कार एक्सीडेंट में मारी गई। हाँ, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई चाहता था कि कुछ राज राज गिरे। मिस्ट्री नंबर 6, अनुज धर ने 2009 में राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर शास्त्री जी के डेथ की ऑफिशियल रिपोर्ट्स मांगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने के लिए ये रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। ऐसा क्या है इन रिपोर्ट्स में? ऑन दी अदर हैंड, पिछले कुछ सालों में KGB और CIA दोनों ने इस मामले के बारे में कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपनी साइड से रिलीज किए, तो इस सारे डेटा के साथ इस केस में काफी ज्यादा मदद हो सकती है। लेकिन हमारे खुद के देश ने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ कैसे हुई ये समझना जरूरी नहीं समझा। लेकिन क्यों कोई उन्हें मारना चाहेगा? उन्हें मारकर किसी को क्या मिलेगा? शायद मोटिव ताशकंद अकॉर्ड में ही हिडन है। लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए भारत ने अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, जो फौज लाहौर तक पहुंच गई थी उसे वापस बुलाया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्टेप ताशकंद अकॉर्ड से मिसिंग था और वो है पाकिस्तान की कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट।
ताशकंद अकॉर्ड में से पाकिस्तान अपने साइड से कश्मीर में गुरिल्ला एग्रेशन कम करने के लिए क्या अश्योरेंसेस देगा, ये इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग थी। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि शास्त्री जी ने अंडर प्रेशर आकर ये अकॉर्ड साइन किए थे, पर घर आने के बाद वो ये बात रिवील करने वाले थे। उन्हें सारी टर्म्स मंजूर नहीं थी। शास्त्री जी एक फाइटर थे और वो ऐसी कोई डील साइन नहीं करते जिससे भारत को फायदा ना हो, ऐसी एक डील जो भारत के भले के लिए ना हो। शास्त्री जी's death gave sanctity to the ताशकंद अकॉर्ड, ये शब्द CIA खुद यूज करती है क्योंकि हमारे इमोशनल भारतीय लोगों ने ये समझ लिया कि ये उनकी आखिरी इच्छा थी और ताशकंद अकॉर्ड को मान लिया। तो सच क्या है? आज भी ये किसी फाइल में दबा हुआ है। सरकारें आई गई लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी इन फाइल्स को डीक्लासिफाई नहीं की। आज शास्त्री जयंती और गांधी जयंती दोनों है। क्या हम उनके लिए उनके बर्थडे पर उन्हें ये गिफ्ट दे सकते हैं, उनके एक प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, सच लोगों के सामने ला सकते हैं? अगर छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं तो क्या हम उनकी फाइल्स को डीक्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी फैमिली को और पूरे देश को सच बता सकते हैं? अगर आप भी हमारी तरह यह सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते, हम कहते जरूर है, लेकिन ऐसे ही मौके होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि क्या हम सच में इसमें विश्वास रखते हैं। और यही सच्चा सवाल आप तक पहुंचाने से मुझे परा। Hey esteem, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।